और अब आपको हम बता देते हैं कि आपको किस केस में फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है और विड्रॉ करना है। तो देखो तीनों का मतलब क्या क्या होता है मैं बताता हूं और आपको कब क्या करना चाहिए भी बताता हूं। और आप अपना, आपको जो भी मिला है आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, खुशी होगी जानकर कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिला है। ठीक है, तो देखो फ्रीज का मतलब होता है कि आपको जो मिला है वो पसंद है, उससे अच्छा या उससे खराब नहीं चाहिए, आपको वही चाहिए तो फ्रीज कर लो। अगर आपने फ्रीज कर लिया तो आगे के राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपका वही च्वाइस फाइनल हो गया। ठीक है, फ्लोट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने च्वाइस फिलिंग में 200 च्वाइस भरा है और आपको 101वां नंबर च्वाइस मिला है, तो फ्लोट का मतलब हुआ कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 101 के ऊपर आपने जो च्वाइस भरा है आपको उनमें से कुछ मिले तो आप फ्लोट करें। और फर्दर राउंड में आपको, मतलब ये तो आपका रहेगा ही, आप इससे नीचे नहीं जाएंगे, ये तो आपका रहेगा ही, आप अपग्रेड कर रहे हैं, यू आर नॉट रिजेक्टिंग योर सीट, आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको डरने की बात नहीं है, आपका इसके ऊपर जो आपने डाला है आपको वही मिलेगा। तो अगर आपने इसके ऊपर अच्छा डाला है, जैसे आपको मान लो इस 101 नंबर पे NIT पटना का कंप्यूटर साइंस मिल गया और इसके ऊपर आपने NIT पटना की कंप्यूटर साइंस से अच्छे ब्रांचेज और अच्छे कॉलेज डाले हैं, तो उस केस में आप फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी आपने अगर ऊपर कोई खराब डाल दिया है जो आपको नहीं चाहिए, खराब क्या मतलब कुछ ऐसा डाल दिया जो आपको नहीं चाहिए, आपने गलती से डाल दिया, तब आप फ्लोट ना करें, क्योंकि उस केस में आपको वो वाला मिलने का चांस रहेगा जो आप नहीं चाहते हैं वो मिल जाएगा, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहेंगे कि दोबारा आपको ये मिल जाए तो आपको ये नहीं मिलेगा। अगर आपका नेक्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड होके ऊपर वाला कोई मिल गया तो आप चाहेंगे कि फिर से पुराना वाला मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। हाँ, इसके नीचे नहीं मिलेगा, आपने जो सीट भरा है इसमें से इसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा आपको, 101 के ऊपर ही मिलेगा, 101 के ऊपर आपने जो डाला है वही मिलेगा, 101 के नीचे नहीं मिलेगा। लेकिन 101 के ऊपर मान लो आपको कोई 59 नंबर का चॉइस मिलेगा, आप चाहोगे कि 101 वाला मेरा अच्छा था, मुझे यही चाहिए, तो ये नहीं होगा, आपको ये नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने अपना चॉइस अपग्रेड करने का प्रोसेस में डाल दिया था। ठीक है, स्लाइड का क्या मतलब होता है कि नहीं, मेरा कॉलेज तो ठीक है, मुझे कॉलेज यही चाहिए, लेकिन ब्रांच अच्छा चाहिए। ब्रांच मान लो आपने NIT पटना में ही आपको कुछ और मिल गया, ट्रिपल ई मिल गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे NIT पटना ही रहना है, लेकिन ब्रांच CSE चाहिए, कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो उस केस में आप स्लाइड कर सकते हैं। मतलब इस केस में क्या होता है कि ब्रांच अपग्रेड होता है, कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है। ठीक है, बात को समझ गया। ठीक है, विड्रॉ में क्या होता है कि ए कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड अ सीट कैन विड्रॉ द सीट बाय रिपोर्टिंग एट द रिपोर्टिंग सेंटर अप टू 6 राउंड ऑफ द सीट एलोकेशन एंड अप्लाई फॉर द रिफंड सीट एक्सेप्टेंस फी। देखो विड्रॉ क्या मतलब होता है कि आपने पहले राउंड में सीट को एक्सेप्ट कर लिया, सेकेंड राउंड में कर लिया, थर्ड राउंड में कर लिया, फोर्थ राउंड में कर लिया, फिफ्थ राउंड में कर लिया, मतलब किसी भी राउंड में आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद आपको विड्रॉ करना है कि नहीं मुझे लगता है कि मुझे ड्रॉप कर लेना चाहिए। अब किन बच्चों को ड्रॉप करना चाहिए उसके लिए भी एक वीडियो बनाकर हम लाएंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आपको लगता है कि नहीं मतलब सीट को मुझे विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ करने का प्रोसेस क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड सीट, जिसने सीट एक्सेप्ट कर लिया है, कैन विड्रॉ सीट बाय रिपोर्टिंग एट द रिपोर्टिंग सेंटर, वो सीट को विड्रॉ कर सकता है बाय रिपोर्टिंग एट द रिपोर्टिंग सेंटर, आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके रिपोर्ट करना होगा, अप टू 6th राउंड तक आप सीट को विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप सीट को विड्रॉ नहीं कर सकते। पॉइंट टू बी नोटेड, 6th राउंड के बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं और 6th राउंड तक ही आपका पैसा रिफंड होगा। अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो 6th राउंड तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके विड्रॉ करना होगा। तो ये 3 टर्म्स थे जिनका पूरा डिटेल्स में मैंने आपको बताया। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको पूरा जानकारी मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, आपको जो च्वाइस मिला है, जिस कॉलेज में जो ब्रांच मिला है, कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय।